हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जनरल स्टोर को पाउडर बाय वन एंड ओनली चंदू। दाद खाज घमोरिया में लोग पाउडर बाय पावर बाय होता है यार। मैं पावर लगाऊं या पाउडर लगाऊं कुछ भी हो मेरी दुकान है, मेरा सामान, तुम बीच में क्यों घुस रहे हो? दुकान तुम्हारी तरह लोगों से पैसे लेकर नहीं मैं अपनी दुकान खोलता। बात तो सही है। हाँ भूल गया क्या बचपन की बातें हैं? हम दोस्त हैं यार। मैंने दुबई ले जाके ना इसका सारा खून चेंज करवाना है ताकि इसको बचपन की बातें भूल जाए। भूल जाए। बचपन की बातें याद करा रहा कि बचपन की उम्र तक का कमा गया ये आदमी। बचपन क्या होता है? बचपन की बात मेहनत कराओगे? आगे क्या भी सोचो यार। भूल गए बचपन के वो दिन जब हम एक ही थाली में खाना खाते थे? तुम्हारी कंजूसी की वजह से खाते थे। इतने कंजूस आदमी, इनके घर चले जाओ एक ही थाली, वो भी हाथों से बनी हुई। कहता हो बर्तन लग गए, मैं कहां, कहता ये। हाँ तो अर्चना, ये ऐसे बर्तनों का फायदा बड़ा है, खाना खाओ हाथ दो, बर्तन भी साथ, हाथ भी साफ। ये हंसते हैं इन लोगों की, मैं कहीं ले जा भी नहीं सकता इनको बाहर। कपूर शर्मा वो दिन याद करो जब तुम्हारा स्कूल का काम भी मैं करता था ताकि तुम्हें क्लास में से डांटना पड़े। उसी वजह से मुझे मार पड़ती थी पता है। क्यों? एक बार सवाल आया कि लाल किला किधर है, इसने उंगली का निशान बना के लिख दिया, कहता इधर है। मेरा दिमाग तो नहीं खराब? फिर से शुरू हो गया? हम तो 9:30 बजे शुरू हो जाते हैं, तुम ही लेट आई हो। इनको तो इतनी ज्यादा आदत है, इनके घर में तो कल मेड आई उसको भी बोल रहे थे हेलो एंड वेलकम टू कपिल शर्मा होम। मेड के स्पेलिंग। और तुम फटाफट शुरू करो यार। ओ, ओ, इतना तो ईयरफोन्स भी आपस में उलझता नहीं जितना तुम दोनों उलझते हो। और तुम काम पे ध्यान दो, मुझे राशन लेना है। ओए होए होए होए, ऐसे कपड़े पहन के राशन कौन लेने के लिए आता है? उधर मैं परफ्यूम थोड़ी भेज रहा हूँ। उसको चैनल ने भेजा है। हाँ, क्योंकि तेरा मुंह देख के ऑडियंस को मजा नहीं आ रहा। बातें भी गरीब, मुंह भी गरीब। वो कहते कम से कम ग्लैमर तो दिखे। यारी बात सुनो, एक मुझे ये बता गरीब मुंह क्या होता है यार? मैं और मुंह पे अंबानी का टैटू बना के घूमूं? भगवान से डरो चंदू, ऐसे मुंह से बड़े बड़े लोगों के नाम सूट नहीं करते। और बातें बंद करो और मुझे राशन दो। तुम इसकी दुकान से राशन लेने आई हो? तो मैं दुकान पे राशन ही बेचता हूँ, राकेश रोशन थोड़ी बेचता हूँ। फिर भी इसके मुंह में फंसा राकेश रोशन। लॉटरी, ये बता तुम्हें चाहिए क्या, ये बताओ फटाफट। मेरा स्किन थोड़ा ड्राई हो गई, कोई अच्छे साबुन है क्या? स्किन चेक करो पहले। है मेरे पास एलोवेरा का साबुन है, 50 रुपए टिकी है। इतना महंगा? लॉटरी तुम मेरे से साबुन ले लो, मैं खाली एक दो बार ही नहाया हूँ, पड़ा हुआ है। यूज साबुन क्यों लूं मैं? साबुन छोड़, आप मुझे वॉशिंग पाउडर दे दो। वॉशिंग पाउडर के साथ तुमने क्या करना है? मुंह थोड़ी धोओगे वॉशिंग पाउडर? वॉशिंग पाउडर से कपड़े धोने ना तुमने, छोटे से तुम्हारे कपड़े हैं, टूथपेस्ट के साथ धो लेना। इतने उनके कपड़े छोटे नहीं जितनी तेरी सोच छोटी है। वो कुछ पहने, तेरे को क्या लेना? कपू तू इसको छोड़, इसका फैशन सेंस बहुत खराब है। आई नो। आपने कभी आंखें फिल्म देखी गोविंदा की? तुम कैंडलम बीच की कसम खा के बोलो तुमने देखी है? मैंने देखी है, प्रूफ करूं? हाँ। उस फिल्म में जो बंदर थी ना, हाँ। वो इनसे ज्यादा अच्छे कपड़े पहनते थे। ओए लॉटरी, तुम इसको छोड़ो, तुम मेरे साथ 2 मिनट प्यारी प्यारी बातें करो। आधा किलो आलू फ्री, वो भी बने हुए तरी वाले। ओह, प्यारी प्यारी बातें करने के बाद आधा किलो आलू तरी वाले, वो भी लानत तुम्हारी प्यारी बातों पर। तुम एक काम करो, ये प्यारी प्यारी बातें मेरे साथ करो, मैं तुम्हें आधा किलो पनीर फ्री में दूंगा। तुम मुझसे 2 मिनट और बात करके देखो, मैं तुम्हें फ्री में सैंडल दूंगी। सैंडल विल फ्लैट देना, हील वाले मुझसे पहने नहीं जाते। चंदू आप एक काम करो ना, सबसे पहले एक जीके का टीका लगाओ। जीके के टीके? हाँ ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं आते आपको नालायक। तुम तो बड़ी शशि थरूर की दादी हो ना, तो तुम्हारी जीके बहुत जरा है। इतनी अगर तुम्हारी जीके तो बताओ फिर
शाम को क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी मम्मी को दिलासा देने जा रही हूँ कि सब ठीक होगा। मेरी मम्मी को क्या हो गया एकदम से? मम्मी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं यहाँ 2 मिनट और रुकी ना, उनके लड़के के सर फूट जाएगा मेरे हाथों से। तुम अपनी लाइनें मुझे दे दिया करो, 150 रुपए दे, मैं बोल दिया करूंगा। ये बोल रही है कि दिलासा इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उनके लड़के का सर फूटने वाला है, ये बोला ना मैंने? ओ, हाथों से फूटने वाला है कपूर शर्मा। मेरा कोई सामान नहीं चाहिए, मैं कहीं और से ले लूंगी। लॉटरी मेरी बात सुनो। सामान तो ले जाओ अपना। अर्चना जी, क्या आपने एक्टिंग की है, ये हुई ना मर्दों वाली बात, मजा आ गया। कपिल, इतने महान कलाकारों के दर्शन करवा के तूने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी यार, थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात, मर जाओ अब, आखिरी इच्छा पूरी होगी ना आपकी, जाओ अब आप। नहीं नहीं, ये तो मेरी आखिरी है ना, अभी मेरी पहली, दूसरी, तीसरी बहुत सारी हैं। सर, आपने आज यहाँ बैठ के ना कपिल शर्मा को झूठा साबित कर दिया। मैं कैसे झूठा साबित हो गया? अरे, इसी जगह पे थोड़े दिन पहले सोनू निगम जी बैठे थे। अच्छा, ये कहते सोनू निगम जी आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, आपने ली ना। सर, आज अगर मैं यहाँ बैठा, ये नहीं कि आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो सिर्फ इस सोफे की वजह से। मैं नहीं, नहीं, सब सोफे की वजह से ही बैठे हुए हैं। नहीं, वो सिद्धू साहब की वजह से बैठे। तो म्यूजिकल लोग बैठे, कोई सिंगिंग की बात करो, फालतू बातें शुरू कर देते हो। अब ना सिंगिंग की बातें करने का मन ही नहीं करता। देखो, जो आजकल के गानों में बात है ना, वो पुराने गानों में नहीं। क्या मतलब? नहीं नहीं, मेरी बात सुनो ना, आजकल के गानों में सिर्फ बात होती है, ए इधर आ, दारू ले गया और थोड़ा टेबल वेबल साफ कर और सब कुछ कर और थोड़ा पानी वानी मार। ये सिर्फ बातें हो रही हैं आजकल। गाने तो होते थे, छूकर मेरे मन को, किशोरदा के लिए जोरदार तालियां, ये थे गाने। ये जो आपने जिसका मजाक उड़ाया ना, ये गणपत चल दारूला, हाँ, मिक्का अगले हफ्ते आ रहा है। और तो फिर डरता कौन है, अगले हफ्ते हम नहीं आएंगे। ये तो आपको इतना ही शौक है गाने का, तो इंडियन आइडल में क्यों नहीं जाते आप? मैं टैलेंट का मौका देते हैं। मैं गया था, कहते पहले ऑडिशन होगा। देखो, मैं कहा चलो ठीक है। मैं अंदर गया, अनु जी बैठे थे, 2 लोग और भी बैठे थे। मैं कह यार, ये लोग मुझे ऑडिशन क्यों दें? ये इनको नहीं देने ऑडिशन, आपको देने हैं इनको ऑडिशन। मैंने देना है ऑडिशन, मैं खुद प्रूफ कर चुका हूँ। आप जो गाना मिला था इनका, बाजीगर का, मैंने मना किया था। कौन सा? छुपाना भी नहीं आता, बताना भी, मैंने मना किया। अच्छा। क्योंकि गाना भी नहीं आता, इसलिए मना करवाया गया। अच्छा, अगर अर्चना जी मुझे गाना नहीं आता, 2-3 मेरे कवर सॉन्ग चल रहे हैं, उस पे एड भी लगी है, वो क्यों? पहले सिंगर है, मतलब लोग गाना स्किप करके एड देखते हैं इनकी। जैसे आपके पूरी दुनिया में फैन है ना अमित सर, आप सबके, मेरे दुबई में बहुत फैन है। अभी मैं थोड़े दिन पहले गया था, अभी लैंड किया ही है, 3 घंटे तक मेरी फोटो खींची है उन्होंने। वाह, ये भी बताओ ना क्यों खींची? फैन होते तो सामने से फोटो लेते ना, इनकी ऐसे, फिर ऐसे भी ली, फिर ऐसे भी ली। ये ड्यूटी फ्री पे, ये चाचा जी परफ्यूम चोरी करते पकड़े गए। ये फैन थे आपके, फैन होता था, मुक्के क्यों मार रहे थे आपको? कपिल बेटे मेरी बात सुन लो, वहां पे एयरपोर्ट पे लगा ड्यूटी फ्री, मुझे लगा फ्री में सामान उठाना शायद मेरी ड्यूटी है, तो मैं उठाने लगा, उनको पता नहीं क्या हो गया। और मैं सर, आप भी शो करते हैं स्टेज शो सब, मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। कौन से टिप्स? 3 बातें हमेशा याद रखो जब भी आप शो पे जाते हो। कौन सी 3? पहली, चार्जर। हाँ, क्योंकि जब हम स्टेज पे जाते गाने वाने में, चार्जर हमारा कोई उठा के ले जाता सर, ये बड़ी प्रॉब्लम। और दूसरी, एग्जिट। पब्लिक को कब गुस्सा आ जाए पता नहीं, फिर एग्जिट नहीं मिलती, किधर से भागे। और सर तीसरी, जब भागना पड़े फिर चार्जर के बारे में नहीं सोचना, फिर अपनी जान बचाओ। नहीं, बहुत अच्छी। मैम, मेरी ना गाने पूरे तैयार हैं, अब एल्बम बनानी है, 5 लाख रुपया भी मैंने जोड़ लिया है, अब एक मॉडल चाहिए। मॉडल यहाँ कोई है मेरे लिए? मॉडल? हाँ, मैंने मॉडल चुना, मॉडल चाहिए। लो, बगल में छोरी और शहर में ढिंडोरी। बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा होता है। अच्छा, जब तू छोरा को छोरी बना सकता है, तो मैं ढिंडोरा, तो मैं ढिंडोरा को ढिंडोरी क्यों नहीं बना सकती? है कि नहीं? है, मैं मॉडल ना। मुझे गाने के लिए मॉडल चाहिए, मुझे ट्रक का मॉडल नहीं चाहिए। तो आप कौन से नुसरत फतेह अली खान हो? हाँ, ड्रिल मशीन जैसी तो आवाज है सर इनकी। मेरा ना मुंह मत खुलवाना,
हाँ मत खुलवाना, बहुत स्मेल आती है। मेरा लेट उतरेगा, आप उतार के दो, मेरे को जूता मारना है। हेलो अमित सर, हेलो सान्या मैम, हेलो अनु सर, माइसेल्फ इज चंदू, ये 10 स्टार जनरल स्टोर मेरा ही सर। अरे वाह, मेरी बात सुनो, तुम इतने बड़े कलाकारों के सामने इतना सस्ता मुंह लेके आ गए, तुम्हें शर्म नहीं आती? यार सस्ता मुंह क्या होता है, मैं और क्या मुंह पे गोल्ड का पानी चढ़ा लूं? एक मिनट, क्या बोला? इनके पास 100 ग्राम पनीर आ जाए तो तुम उसकी FD करा देते हो, तो गोल्ड तुमने सोचा भी कैसे? भी चाचा जी मेरी बात सुनो, जब गोल्ड की बातें हो रही है ना, बीच में ओल्ड नहीं बोलते। बात समझ में आई है? और खैर मैं आपको ये बता दूं कि आपकी एल्बम का मॉडल मैं ही बनूंगा। अबे ओ लकड़ गंजे, ऐसा कौन सा जानवर होता है लकड़ गंजे? तो ऐसा भी कौन सा इंसान होता है? अच्छा अगर आपकी बातें खत्म ना हो तो मैं 2 गाने बाहर गा के आ जाऊं? हाँ, क्योंकि मुझे तो मौका मिलने ना, बैठा हूँ चुपचाप, प्रोड्यूसर हूँ यार। देखो चाचा जी मेरी बात सुनो, वो तो चैनल हमें पैसे देता है इसलिए हम आपके गाने सुन लेते हैं। हाँ बाहर जाके गाने नहीं गाने, नहीं तो कुत्ते काट लेंगे आपको। कुत्ते कैसे काटेंगे, कुत्ता तो मेरे साथ बातें कर रहा। कितनी अच्छी बात बोली आपने, मैं सच्ची बोलूं अगर आप जिंदा नहीं होते ना मैं आपको चूम लेती। लेकिन मॉडल मैं ही बनूंगा चाचा जी, मैंने बता दिया आपको। हाँ मॉडल मैं बनूंगी। हेलो जी, हेलो जी, हेलो, मेरी दिल्ली तमन्ना है कि आपके गाना में मैं मॉडल बना। अच्छा अगर तेरी दिल्ली तमन्ना है ना तो नोएडा में जाके मॉडल बन। मेरी भी नाला सुपारी तमन्ना है, मॉडल मैं ही बनूंगी। तो ऐसे तो मेरी भी अमृतसरी तमन्ना है कि मैं भी मॉडल बनूं। तू अमृतसरी मॉडल नहीं, तू अमृतसरी कुलचा बन। कम से कम फेमस तो होगा। ओ तेरी इतनी अच्छी पर्सनालिटी, तू भिखारी क्यों नहीं बन जाता? कपू सब लोग लड़ रहे हो, आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे? वाह मैं आई लाइक यू। अरे मुझे नहीं, इनको। इनको आई डोंट लाइक। अनु जी इनको बोलने का बहाना चाहिए। तुम ना मेरी बात सुन लो, बार बार ऐसी बातें कर रही हो, मुझे गुस्सा दिला रही हो तुम। मैं तो कहता हूँ आपस में लड़ लड़ के मर जाओ, हमारा नहीं कम से कम क्राइम पेट्रोल वालों का तो एक एपिसोड बने। देखो गाइस, मॉडल बनने के लिए ऐसे फिगर होना चाहिए। तो मेरी फिगर में क्या प्रॉब्लम है फिर बताओ? अबे ओ फिगर की बात अगर लड़की करे ना तो अच्छा लगता है। तो ऐसी बात फिर लड़की को बोलनी चाहिए ना। और मेरी बात सुनो, कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है मॉडल बनने के लिए, फिगर की जरूरत नहीं होती। और कॉन्फिडेंट होने के लिए कॉन्फिडेंस के स्पेलिंग भी आने चाहिए। चलो जी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेठ आ गए स्पेलिंग सुनने के लिए। हेलो हेलो मेरे मेरे, एक बार ना इनको स्पेलिंग सुना के सबका मुंह बंद कर दे। चाचा जी मैं आपको कहीं गालियों की स्पेलिंग ना सुना दूं। मेरी बात सुनो, आप ना बीच में मत बोला करो, चुप करके बैठा रहा करो। बेटे हम दोनों बीच में थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं इसीलिए टिके हुए, नहीं तो ये कब के हमें निकाल दें। बोलते रहा करो। क्या बात है चाचा जी, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। पहली बार इस आदमी ने इस शो पे फनी बात बोली है। वाह वाह बहुत अच्छा। चलो ठीक है, मैंने फनी बोली है और अपनी भी बोली है, कुछ लोग तो दूसरों की कॉपी कर कर खा रहे। हाँ सही बात है, सही बात है। तू काहे को दूसरों की कॉपी करता है रे? मैं कहाँ कॉपी करता हूँ, तू तो ब्रश भी नहीं करता। ओए मेरी बात सुनो, तुम सब लोग निकल जाओ, तुम लोगों का हो गया, मैं चैनल से थप्पड़ मारने वाली टीम बुलाने वाला हूँ। अच्छा ये थप्पड़ मारने वाली टीम कब आई भाई? जब से आप शो में आए हैं। देखो भाई इतनी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं, आखिर मैं प्रोड्यूसर हूँ। देखो क्या तुम मॉडल बनेगी, तुम मॉडल, मेरी मर्जी, पैसा मैं लगा रहा हूँ। डेट्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।